बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान कर लिया है, ये मेरे पास मौजूद है। स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में होने वाला है, उसके हवाले से पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा या नहीं। उससे पहले पाकिस्तान में एशिया कप है, भारत खेलने नहीं आ रहा, और भारत के लिए मोर डिफरेंट वेन्यू का इंतज़ाम किया हुआ है, यानी श्रीलंका या यूएई में उसके मैचेस खेले जाएंगे। अगर पाकिस्तान के साथ भी उसका मैच है तो वो यूएई या श्रीलंका में होगा। ये डिफरेंट वेन्यू का इंतज़ाम उसके लिए किया गया है एशिया कप में, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो है वो खेलने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी पेचीदगी है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट है, क्या कर सकते हैं इस बारे में, उसने फैसला कर लिया होगा, वो बेहतर जानती होगी इस चीज़ के बारे में। हमारी तो सिर्फ राय हो सकती है। और जबकि इस टीम में शामिल हैं बाबर आजम जो कि कैप्टन करेंगे, कैप्टन है वो बाबर आजम। इसके अलावा शादाब खान, उसके पास कैप्टनसी हो गई और एक अच्छे स्पिनर और एक अच्छे ऑलराउंडर है। इसके अलावा इमामुल हक, फहर जमान ओपनर्स हैं, शान मसूद हैं। इसके अलावा नंबर छः पे अब्दुल्ला शफीक जो कि एक अच्छे बैट्समैन के तौर पर साबित हो सकते हैं। विकेट कीपर्स में लिया गया है मोहम्मद रिजवान को और मोहम्मद हारिस को, ये दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं। मोहम्मद रिजवान भी ओपनिंग कर सकता है, हारिस भी ओपनिंग कर सकता है, हारिस को अपने में आकर शर्जील खान की कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा सलमान अली आगा जो कि अभी एक नए नए स्पिनर्स आए हुए हैं और अच्छा ऑलराउंडर के तौर पर भी काम करते हैं। और इसके अलावा मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को भी टीम में शामिल कर लिया गया है। नसीम शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और एहसानुल्लाह को भी टीम में शामिल कर लिया गया है। आमिर के हवाले से तो आमिर जो है वो उसको टीम में शामिल नहीं किया गया इस टीम में, और वो कह रहे हैं कि मैं अभी वर्ल्ड कप से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर ले चुका हूँ रिटायरमेंट, और मैं दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। अलबत्त अगर मुझे आईपीएल से कोई ऑफ़र हुई तो मैं आईपीएल ज़रूर खेलूँगा, ये उसका कहना था। मेरे ख्याल से इस तमाम बॉलर्स में नसीम शाह हो गए, वसीम जूनियर हो गए, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, एहसानुल्लाह, इन पाँच बॉलरों में जैसा आमिर बॉलिंग करता है ना फर्स्ट के ऊपर पावर प्ले के ऊपर ओवर्स में, इस तरह का कोई बॉलर इसमें है नहीं। शाहीन शाह का अफरीदी का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है, नसीम शाह का भी इतना अच्छा नहीं है। मोहम्मद वसीम जूनियर मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छे बॉलिंग कर लेते हैं, वो तो मिडिल ओवर्स का खिलाड़ी है। इसके अलावा हारिस रऊफ भी मिडिल ओवर्स के खिलाड़ी है, वो भी एक सिर्फ फेसर्स हैं, क्योंकि भारत के पिचेस काफ़ी स्लो है तो वहाँ पर जो है पेसर्स को इतनी हासी मदद, ऐसी इतनी हासी हेल्प नहीं मिलेगी जैसे कि स्पिनर्स को मिल रही है, मिलना चाहिए। तो ये स्क्वाड के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स। काइंडली उन यूट्यूबर्स को ज़रूर सपोर्ट करें, सपोर्ट किया करें जो कि नए यूट्यूबर्स के, और नीचे एक लाइन है इसमें कमेंट भी हुआ करता है, आप इसमें कमेंट करें, हमें बताएं हमारी वीडियोस में क्या कमी है ताकि हम आप लोगों से सीखें, एक नए यूट्यूबर्स की तरफ पर एक प्रोफेशनल यूट्यूबर्स की तौर पर हम उभरे। आप लोग हैं हमारे हमें बताएं हमारी कमी जो है हमारे अंदर, वो हमें बता दें ताकि हम उस चीज़ को दूर करें, ठीक है। तो काइंडली हमारे YouTube को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि हमें पता चले हम किस तरह की वीडियोस क्रिएट करते हैं और हमारे लोग का रिएक्शन क्या है इस चीज़ के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने कहबान।